सब्सक्राइब कीजिए टेक महत यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद महातो, टेक महत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल एजुकेशन चैनल है और आप लोगों को यहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहता है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं और चाह रहे हैं कि आप लिनक्स को भी यूज़ करें, लिनक्स को सीखे बिना विंडोज़ को अनइंस्टॉल किए, तो आज का वीडियो काफ़ी हेल्प होने वाला है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास तो डेस्कटॉप और लैपटॉप है, लेकिन वह डेस्कटॉप लैपटॉप उतना हाई एंड नहीं है कि उस डेस्कटॉप के अंदर में विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर में वर्चुअल। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद महातो, टेक महातो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बातें करने वाले हैं किस तरह से आप विंडोज़ के कंप्यूटर में लिनक्स का कमांड चलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप में से वैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो विंडोज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन आप लिनक्स सीखना चाहते हैं या लिनक्स में आप काम करते हैं लेकिन विंडोज़ को स्विच नहीं करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास विंडोज़ का लैपटॉप है, विंडोज़ का डेस्कटॉप है, और वह लैपटॉप और डेस्कटॉप उतना हाई एंड नहीं है कि उसके ऊपर में एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करके लिनक्स का वो प्रैक्टिस कर पाए या लिनक्स जब पढ़ाई कर रहे हैं उसका जो है वो उसमें प्रैक्टिस कर पाए। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे कोई भी डेस्कटॉप या लैपटॉप क्यों ना हो, आप वहाँ पर लिनक्स का कमांड यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ के सिस्टम में। तो बहुत ही आपको इजी स्टेप्स बताने वाला हूँ, इसको आप फॉलो किए बिना स्किप किए हुए। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जो भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपका जो विंडोज़ 10 लैपटॉप रहना चाहिए या डेस्कटॉप रहना, जो भी है, विंडोज़ 10 में हम सबसे पहले अपना वाईफाई को कनेक्ट कर लेंगे, जो कि मेरा वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है, राइट। आपको क्या करना है, विंडोज़ बटन प्लस आर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद एक कमांड आपको टाइप करना है, कमांड का नाम है apwizapp.cpl, राइट। apwizapp.cpl क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक विंडोज़ खुल जाएगा, जिसको ये वाला विंडो आपको खुलेगा, राइट। सो इसको ओपन करने के लिए एक और तरीका है, स्टार्ट में चले जाइए, कंट्रोल आप पैनल में चले जाइए और जाने के बाद यहाँ पर आपको प्रोग्राम फीचर्स ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो ये ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा, राइट। सो इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। करने के बाद देखिए यहाँ आपको जाना है टर्न ऑन फीचर्स, तो इस ऑप्शन में क्लिक करना है। करने के बाद देखिए यहाँ फीचर्स खुल जाएगा, इस फीचर्स में से यहाँ पर आपको मिल जाएगा विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, इसको आपको टिक कर देना है, राइट। ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, करते हैं ओके। ओके करने के बाद ये जो कुछ फीचर्स, इसका जो फीचर्स सर्च करेगा और करके आपको सिस्टम में ये इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल करने के बाद ये सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, राइट। तो हम कुछ करते हैं सिस्टम को रिस्टार्ट। तो जैसे हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम चले जाएंगे स्टार्ट में और यहाँ पर सर्च करेंगे स्टोर, राइट। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर आप दिखाई देगा ऐप, तो उसको हम लोग क्लिक करेंगे और मेक श्योर हमारा इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहना चाहिए। करने के बाद हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे लिनक्स। जैसे हम क्लिक किए देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है Ubuntu, देख रहे हैं ना, Ubuntu 18.04 LTS, राइट। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे ओके। तो यहाँ पर साइन इन करने के लिए बोला है, तो हम साइन इन नहीं करना है हमको। तो ये डाउनलोडिंग होना शुरू हो गया है, डाउनलोड होने में कुछ समय लगेगा, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद फिर से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको लॉन्च ऑप्शन दिखाई देता है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका वो एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं इंस्टॉलेशन होने में। तो जैसे ही कंप्लीट होता है तो देखिए यहाँ पर मांग रहा है इंटर न्यू यूनिक्स यूजर, तो आपको यूजर नेम देना है, तो मैं यहाँ पर यूजर नेम देता हूँ रूट। तो यहाँ बोला ऑलरेडी ये यूजर नेम अवेलेबल है, तो यहाँ देता हूँ अरविंद या देता हूँ टेक महातो, दैट इज ए यूजर नेम दिया मैंने, और पासवर्ड दे देता हूँ मैं यहाँ पर, राइट। तो ये लिनक्स इस तरह सिस्टम है, यहाँ पर यूज हो रहा है। कैसे इसे ओपन करेंगे मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। स्टार्ट में चले जाएंगे और आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये Ubuntu, राइट। इसका आप राइट क्लिक करके
डेस्कटॉप में आप पिन कर सकते हैं, स्टार्ट में यहाँ पर पिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको पिन इन ट्रांसफर में कर लेता हूँ ताकि जब कभी मैं इसका यूज़ कर पाऊँ। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और देखिए ये मेरा एक खुल गया। अब मैं यहाँ पर एलएस का मान और लिनक्स का देता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है राइट, सो इस सिस्टम को हमारे विंडोज़ के सिस्टम को एक्सेस करें राइट, तो कैसे हम करेंगे? सपोज दैट कि विंडोज़ को एक्सेस करना है तो cd/mnt में चले जाएंगे और ls यहाँ क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर c और d जो मेरा लोकल ड्राइव है, c और d वो यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे हम ओपन करता हूँ मैं अपना माई कंप्यूटर, सो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर दो ड्राइव है, c और d राइट। अगर हम जाते हैं सपोज कि d में राइट, cd/ यहाँ d में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम ls करेंगे तो देखिए मेरा ये पूरा का पूरा जो उसके अंदर में है अवेलेबल वो दिखा देगा राइट। या हम अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बनाना चाहते हैं फाइल राइट, तो भी हम कर सकते हैं। या हम cd/ डॉट क्लिक करेंगे तो एक स्टेप बैक चले जाएंगे, cd करेंगे तो c में चले जाएंगे। यहाँ पर हम ls क्लिक किए जो मेरा फाइल है वो सब दिखा देगा, देख पा रहे हैं यहाँ पर राइट। सो यहाँ पर चले जाते हैं यूज़र में, तो यूज़र हम देख लेते हैं कहाँ है। देखिए मेरा, देखिए ये मेरा यूज़र है, तो cd करते हैं और यहाँ पर यूज़र जाते हैं। यूज़र में जाने के बाद देखिए यहाँ पर दिखाई देगा आपको ऑल यूज़र है, टेक महतो है राइट। सो ये सब आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप किसी में जा सकते हैं। तो जाता हूँ मैं टेक में चला जाता हूँ और यहाँ ls करता हूँ, यहाँ बहुत सारा चीज़ है। cd करता हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप में चले जाता हूँ और डेस्कटॉप में जाने के बाद मैं प्रेस करता हूँ इंटर राइट। तो यहाँ ls करता हूँ तो देखिए यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ आइकन्स वगैरह है ये है। इसको थोड़ा स्क्रीनिंग बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। प्रॉपर्टी में चले गए, फॉन्ट में चले जाएंगे, फॉन्ट वो कर लेते हैं 24 राइट। अब थोड़ा सा पहले बड़ा हो गया, कंट्रोल एल करेंगे तो स्क्रीन पूरा क्लियर हो जाएगा राइट। अब हम करते हैं mkdir और यहाँ पर कोई फाइल का हम नाम दे देते हैं, जैसे टेस्ट फोल्डर, फोल्डर का नाम देते हैं। तो देखिए यहाँ बन जाएगा, कैसे देंगे ls करेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर टेस्ट फोल्डर बन गया है। अगर हम मिनिमाइज़ करते हैं इसको, हम डेस्कटॉप में देखेंगे, देखिए डेस्कटॉप पर टेस्ट फोल्डर बन गया राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पर फोल्डर ही बना सकते हैं। यहाँ पर अगर टॉप कमांड देते हैं तो देखिए यहाँ को दिखा रहा है, यहाँ पर टॉप कमांड डालने के बाद हमारा रैम वैम वगैरह का यूजेस। फ्री कमांड देते हैं यहाँ पर देखिए, तो हमें दिखा रहा है मेमोरी दिखा रहा है। फ्री हाइफन एम करता हूँ मैं, अगर हाइफन एम क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एम बी में दिखाएगा राइट। फ्री हाइफन अगर हम एज करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जीबी में दिखाएगा मेरा मेन मेमोरी जो कितना जीबी का है, 8 GB का है। स्वैप मेमोरी कितना है, 8 GB, दोनों है 8 GB का मेमोरी है राइट, जिसके अंदर में जो है 2.7 GB अभी यूज हो रहा है, इतना फ्री है। और स्वैप मेमोरी जो है यानी जिसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, वो पूरा का पूरा मेरा फ्री है। df-h कमांड देता हूँ तो देखिए हमारा दिखा देगा कि मेरा क्या क्या जो ड्राइव वगैरह है ये पूरा वो दिखा देगा। तो इस तरह से आप लिनक्स का कमांड यहाँ पर चला सकते हैं राइट। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आप मानो कोई भी क्वेश्चन सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए लिनक्स और विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मास्टरी कोर्स डिजाइन किया हूँ, जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसके बारे में आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपको ये किस तरह से फायदा दे सकता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।